What's up, Abli? Welcome back to a brand new video. आज अपन आ गए हैदराबाद में अपने पट्ठों के साथ. अपने पट्ठे कौन है, जरा आओ मेरे यारों. मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो. एक बार सारे के सारे आप लोग हैदराबाद में आए सो है, तो एक बार कैमरे की तरफ ऐसा फुल नवाबी वे में आ मेरी जान. जंबिया क्या रे भाई, जंबिया अंबिया सब दिलेंगे आज के वीडियो में. पब्लिक इन लोग का मेरे टॉप 5 फेवरेट प्लेसेस जो खाने के हैं, जहाँ पे मैं हैदराबाद में बचपन से लेके अभी तक ठूसते आ रहा हूँ वो जगह पे इनको लेके जाने वाला हूँ. तुम लोगों को टेस्ट करना है, बताना है कैसा लगा. आज अपन सबसे पहले आए सो गोविंद डोसा के पास. बहुत ओजी दुकान है, बहुत ओजी नाम है, बहुत जबरदस्त टेस्ट है. किरागरेता मतलब मसला सिस्टम जो है सो. अभी सबसे पहले तुम्हारा डोसा खिला रहा हूँ. मेरा फेवरेट बटर मसाला डोसा नहीं, गोविंद डोसा. आ जाओ इधर, आ रहे देखो दिखा दो भाई. ना अपने दोस्त आए मुंबई से, ऐसे दो स्पेशल गोविंद डोसा मारो. टमाटर चाहिए तुमको, नहीं चाहिए टमाटर? टमाटर चाहिए, बस तीखा कम डालना. नहीं नहीं नहीं, अपना वाला बनाओ भाई. ना बोलते बोलने का एक में पचपच हो जाए. अरे कुछ भी पचपच नहीं होगा, टेंशन ना ले. दो जबरदस्त स्पेशल गोविंद डोसा मारो, मजा आ जाना चाहिए. चटनी एक्स्ट्रा ठीक है, तीखा खिला दे रहा हूँ अब तुम. हाँ बोले, मजा नहीं आएगा. अरे उन्हें आपको फेवरेट मेरा खिला रहा हूँ. गोविंद भाई, गोविंद भाई कौन? गोविंद भाई है, ओनर है. अच्छा उनु ओनर है. आप कौन? नहीं आपका नाम पूछ रहा हूँ यार. तो बोला नाम क्या है पूछना. नाम क्या चीज़ है आपका? सुलेमान भाई. सलाम वालेकुम. डोसा कैसा बनता है देख तू बस. ये जो देख रहा, हाँ उपमा है वो. हाँ उपमा, डोसे के अंदर उपमा है वो. ऐसा ये स्पेशलिटी हैदराबाद की. बहुत लोग आलू का मसाला डालते, बढ़िया उपमा डाल दी. उपमा डाल दिया उन्होंने. कारम पोड़ी ये गया, बटर बटर अब्बा. अब जाएगा प्याज टमाटर और गोविंद का स्पेशल आइटम. सीधा छाती लप लप मार लेना. हैदराबादी फेमस वर्ड चेपू. मोताबरी बात नहीं करना. मोताबरी बात नहीं करना, मतलब सर फिर बात नहीं करना. मेरी जहा बन रहा, प्याज डल गया, सब डल गया. भाई की कटिंग देख तू बस. सेंटर में चटनी का आता डब्बा. गाड़ी पे बैठ के खा सकते हैं सुकून से खाना. नहीं नहीं यार, नहीं यार, मजा खाओ. अरे खाओ खाओ, अच्छा गरम है. फूंक मारते मारते ऐसा भाई बैठ सकते हो. अभी ऐसा जाएगा इसके अंदर. ला ला स्नैक दे, ला ला ला, ये पकड़ ले. सांभर होना. नहीं नहीं सांभर ना, कोटोसे के साथ ऐसा डोसा. ऐसा मसाला नहीं खाया मैंने अभी तक. अच्छा है. इधर हैदराबाद में मोस्टली डोसे के ऊपर है ना उपमा का मसाला डाल, आलू का मसाला ज्यादा नहीं डाल. अच्छा है, बहुत अच्छा है. कैसा है? जबरदस्त है. डोसे का ये घोल कैसा है इनका? ये मेन है. आलू नहीं डालते इधर, इधर उपमा डालते. कैसा क्या बात है यार. ये जो है इसको बोलते हैं अल्लम की चटनी. अल्लम की चटनी, अल्लम की चटनी होती. इसको एक डिप मारो, उसमें भी एक डिप मारो. ऐसा दो डिप मारना, दोनों डिप मारना, दोनों डिप मारना. ये मारा एक और ये मारा एक और मारो. चटनी ने स्वाद दे दिया जबरदस्त. चटनी ने स्वाद दे दिया भाई. आलम भाई की चटनी तो अच्छी है भाई. आलम भाई की चटनी नहीं है, अल्लम की चटनी. अल्लम की चटनी, अल्लाह की चटनी है. तो आप लोगों ने तो मेरे खाने की स्पीड से देख लिया रहेगा कितना मस्त था. ना ज्यादा तीखा था, ना ज्यादा मीठा था. ऑनेस्ट ओपिनियन देना था. 10/10 था, बेस्ट तेरे भाई की टेस्ट है. बहुत अच्छा टेस्ट था भाई, मजा आ गया. मजा आ गया, 10/10. मोतावरी बात नहीं करना, वरना बैंगन में मिला देते. सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अभी और देख खाने जा रहे हैं. सेकंड फेवरेट स्पॉट पे आ जाओ. तो गाइस सेकंड स्पॉट जो है मेरा फेवरेट, मैं पूरा बचपन यहाँ का खाया है, रॉयल टिफिन सेंटर. जैसे कि तुम्हारे वहाँ पे मेरा फेवरेट डोसा खिला, यहाँ पे तुम्हारे मैं मेरा फेवरेट इडली खिलाने वाला. इडली ऐसी वैसी इडली नहीं, एक होती बटर इडली, बटर इडली वो कहेंगे तुम लोग, और एक होती तवा इडली. तवा इडली भी होती है? तवा इडली भी होती है. वो आइटम एकदम खतरनाक जबरदस्त, शिन्या मोमबत्तियां अगरबत्तियां आइटम है. तो ये दो आइटम तुम्हारे खिलाएंगे रॉयल टिफिन सेंटर में. पूरा स्कूल लाइफ में यहाँ पे खाया, इतना खाया तुम्हारे, क्या बोलूं रे भाई. आ जाओ. तो ये तुम्हारे सामने आ गई मेरी फेवरेट बटर इडली. तवा इडली आने वाली है, बनने वाली है. इसको कैसा खाते हैं मैं बताता हूँ. ऑलरेडी उन्हें कारम पोड़ी घी डाल दिया, ये चटनी इसमें ऐसा ऊपर डालना, इसको ऐसा लेना और इसके अंदर डिप करके खाना. टेस्ट करके बता इडली कैसी है. ये सेम अल्लम चटनी है जैसा उधर का था. इसकी इसकी ये चटनी मैं रोज खाती हूं. मैं इडली की बहुत बड़ी फैन हूं. अच्छा अगर, अरे मैं बोल रहा हूं कड़क स्टैंडर्ड बहुत हाई है. इस अलग लेवल चले जाएंगे. ये चटनी स्पाइसी रहती पहले, बोलूं जरा देखिएगा. खाली इडली फील कर दूं, इडली को फील ले, चटनी में डुबा इडली को फील ले, फील ले. सही है, फील ले. अच्छा लगा? अच्छा लगा. इडली मस्त लगा, पोड़ी अच्छा नहीं लगा. मतलब ये इसके ऊपर का कारम पोड़ी स्पाइसी लगा.
हाँ डिप करके सॉफ्ट ना बहुत मतलब वही इधर की सॉफ्ट रहती बहुत इडली। तो गाइज जैसा तुम देख रहे हैं चीचा हमारे जबरदस्त बटर डाले प्याज डाले टमाटर डाले उसके ऊपर चार इडली डाली उसको सेक के तवा इडली बोलते हैं उसको क्या बोलते भाई बराबर है। तो जैसे कि तुम डोसा तो टेस्ट करे डोसा वो 10/10 था बराबर बराबर यहाँ की इडली मैं बहुत खाया हूँ स्पेशली तवा इडली खाके टेस्ट करके मेरे को खान दे पहले मेरे को ना रहा नहीं जा प्याज व्याज अच्छे से ले पूरा प्याज ही ले चटनी उस पे डाल दे पूरा हर जगह फैला दे अब खाओ और एक चटनी दो और एक चटनी लाओ जोकर भाई यही होता है खाने का तरीका ये देख खाओ खाके बताओ कैसे प्याज जरा वो टमाटर जब इडली के साथ आता ना ये तो पहले वाली जैसे ही है इडली तो सेम ही है बट तवा मार के ये वाला जो है ना ये थोड़ा सा नरम भी है गरम भी है और प्लस क्या है ना पिघल जा रहा मुंह में रबड़ी की माफिक सीधा रबड़ी का टुकड़ा लग रहा है अच्छे से मिला हाँ हाँ काजू कतली खा रहे ऐसा लग रहा वाह मेरी मम्मी का फेवरेट डिश इडली इडली जबरदस्त क्या कैसा लगा अपन जो तीसरे स्पॉट पे आए पाव भाजी मुंबई में पाव भाजी फेमस है दिल्ली में भी फेमस है एक बार यहाँ की पाव भाजी का अब मैं यहाँ कई को आया बोल नहीं मतलब ये चाट है पाव भाजी मतलब बहुत फेमस है मयूर पान हाउस जो लोगों को मालूम रहेगा हैदराबाद से जितने भी बहुत ओजी स्पॉट है ये जो स्पॉट है ना मैं मेरे फैमिली के साथ सबसे पहली बार कहीं बाहर खाने गया हूँगा ना बचपन से छोटे से लेके जब भी दिस वाज द फर्स्ट स्पॉट इससे अच्छी अच्छी भी है हैदराबाद में मैं जानता हूँ बट मेरे को ये प्यार है यार पाव भाजी आज तुमको खिला दूं मैं बता सकता हूं टेस्ट की पाव भाजी मैंने तू बहुत खाया इतनी हर जगह खाई है ना शायद आज यहाँ का बता देना तू कैसा लगा ठीक है आ जाओ यहाँ पे खाएंगे मसाला पाव भाजी मैं जैसा खाता हूँ वैसा तुम लोगों को खिलाता हूँ ठीक है ये इडली के साथ इडली नहीं पाव भाजी अरे बाप रे बाप कुछ ज्यादा ही इडली खा ली काशी भाई ये उल्टा नींबू को छिड़क रहा तू उसके ऊपर से बीज ना गिर जाए पूरा साइंस एक बार खुशबू सूंघो नजदीक आके खुशबू तो है ये ऐसा लेना और खाओ तो हमको दे तो हाथ में ये देख गिरा दिया नजर मार दी उसने शेर शेर ऐसा लेना ठीक है नमक बहुत है नमक बहुत है मेरे को भी नमक लगा नमक बहुत है नमक ज्यादा डाल दियो जो है तो है भाई ये मतलब एवरेज है बहुत पाव भाजी वाले नमक है ना नमक ज्यादा डाल दिया एवरेज है आई थिंक इट्स टू आई थिंक द भाजी इज टू लिक्विड हां टू लिक्विड और नमक ज्यादा डाल दिया और सॉल्टी है बहुत यार जेन्युइनली है ना पहले जैसी नहीं बनाई पहले जब मैं खाता था ना वैसी नहीं बना चेंज हो गया टेस्ट तो तीन चीज़ों में से एक चीज देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट खाने को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए बट द थिंग इज ये रेटिंग के हिसाब से हो रहा है तो मतलब ठीक है ढाई रेटिंग है इसकी 10 में वैसा है बाकी खाना तो सभी अच्छा होता है भाई फिनिश करके जाएंगे ऐसा नहीं कि झूठा झूठ फिनिश कर अब यहाँ से तुम लोगों को जहाँ लेके जाने वाला हूँ मेरी फेवरेट वेज बिरयानी स्पॉट पे लेके जा वेज पुलाव वो वहाँ जाके तो पता चल जाएगा बिरयानी संतोष फैमिली ढाबा बोल के अच्छा बिरयानी खाना वाली उसके बाजू जश्न पान वाला बोल के जश्न पान मीनाक्षी पान वो नहीं खाया मतलब तुम हैदराबाद में आगे मीनाक्षी का पान मीनाक्षी का पान नहीं है मीनाक्षी पान मीनाक्षी फ्लेवर है तो दो आइटम मैं इनको खिलाऊंगा अरे तू बस देखो बनाते टाइम में देख फ्लेवर रहता है कौन मीनाक्षी जी बनाते हैं मीनाक्षी जी नहीं बनाते बनाता है इंसान चलो इसके अंदर फ्लेवर डालता मीनाक्षी का अच्छा मीनाक्षी जी डालते फ्लेवर मीनाक्षी जी नहीं डालते मीनाक्षी का फ्लेवर डालते मीनाक्षी का फ्लेवर क्या फ्लेवर का नाम मीनाक्षी है मीनाक्षी का फ्लेवर नहीं ये अपन आ गए अपन अभी लास्ट स्पॉट पे अच्छा। यहीं पे पान की दुकान है यहीं पे बिरयानी का है ओहो ये ढाबा है ना यहाँ पे हैदराबाद के सारे मारवाड़ी महेश्वरी अगरवाल सब आके खाते हैं अच्छा आज आप लोग वेज बिरयानी जो मैं इतने टाइम से बचपन से खाते आ रहा हूँ वो एक्सपीरियंस करेंगे जिसको मैं वेज बिरयानी बोलते फिरते रहता हूँ फ्लेक्स करते हैं वेज पुलाव खाएंगे आगे अपनी स्पेशल वेज पुलाव अरे बिरयानी भाई इसको पुलाव बोलते हैं क्या बोलो बिरयानी हैदराबादी बिरयानी हैदराबादी बिरयानी लोग इसको पुलाव बोलते हैं नहीं वेज बिरयानी हैदराबादी स्पेशल पुलाव होता है ना वेज तो
पुलाव नहीं है ये हैदराबादी स्पेशल बिरयानी है। अच्छा इसको कोई आता है जो पुलाव नहीं बोलता इसको? पूरा अलग से आता है, उसमें मसाला नहीं है, इसके अंदर मसाला है। मसाला दो उसको अच्छे से, मेरी प्लेट में डालो। अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ करना क्या है सिस्टम, मैं जैसा डाल रहा हूँ वैसा खाना, ठीक है? अरे तब भी पुलाव ही रहेगा। अरे रुक जा रे हौले। अरे भाई बिरयानी, अरे रुक जा रे हौले, बिरयानी है किसी एक का हो जा भाई, बिरयानी है रे मेरी जान। ले प्याज ले, ये प्याज ले, सुनो जोकर को ये दे, हाथ से खाओ, हाथ से खाओ, रेडी रहो, मिक्सिंग अच्छे से करो। देखो बाइट लो, उसके बाद प्याज का टुकड़ा लो, चबाओ और फिर निकलो। बोले अब खा के बता। अच्छा क्या ये पुलाव है? पुलाव तो है। अरे पागल इंसान है, भेज दो मार्केट। क्या ये पुलाव है? और सुनते तो पुलाव नहीं है लेकिन बिरयानी भी नहीं है। सुनो मैं जब से मजाक कर रहा था अभी मैं बताता हूँ तुम लोगों को, ये जो है ना बिरयानी चाहिए वेज, ठीक है? पुलाव कैसा था मैं तुम लोगों को बताओ, सफेद कलर का होता है, उसमें ना कांदा भी जो रहता है ना वो जलावा नहीं रहता कभी भी, वो ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट रहता, थोड़ा लिक्विड वाला कांदा रहता, उसमें मटर रहता, जीरा रहता, उसको बोलते पुलाव। उसमें पनीर भी आता, मिक्स वेजिटेबल भी पुलाव आता। ये बिरयानी में क्या है ना भाई, राइस के कलर देख रहे ना तुम लोग, अलग अलग लाल कलर, व्हाइट कलर, पीला है और ग्रेवी है, और इसके अंदर क्या है ना भाई, ऊपर से बरिस्ता बोलते हैं इसको, जो जलावा कांदा रहता है इसको बरिस्ता बोलते हैं, राइट? यस सर। क्या इसको बिरयानी बोल सकते हैं? हाँ इसको बिरयानी बोल सकते हैं। क्या ये पुलाव है? नहीं पुलाव ऐसा नहीं होता रे भाई। क्या रे होले, मैं तो मजाक कर रहा था जब से। बिरयानी इज अ थिंग, वेज रिकॉर्ड नहीं हुआ वो। वेज बिरयानी इज अ थिंग, इट इज यस और नो? हां ये नो। फाइनली देखो वेज बिरयानी में इतना लवर नहीं हूं, खाता नहीं, खा के कैसा लगा? खा के अच्छा लगा, टेस्ट में अच्छा है, 8 नहीं 7 8 वेज के हिसाब से 10 आउट 10 10 आउट 10 या वेज के हिसाब से? वेज के हिसाब से कैसे? क्योंकि आपने वेज खाया होगा ना, दिस इज नॉर्मल। अभी खाया? हां वेज बिरयानी खाया है। इसके हिसाब से 9 बट नॉर्मल है, इसके हिसाब से 7। पहले रगा बता तू क्या-क्या सीखा? मोटा भरी काय को कर रहा, बैंगन में मिला देते ऐसा ऐसा सीखा। तुम लोग क्या सिखाना चाह रहे इसको? जो प्रपोज करना हो तो कैसे कर दे? तुम यार को देख के मेरा दिल लप 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 मार लिया, मार लिया। आओ कभी ये डायलॉग मार एक बार कैमरे में देखो, वो टफ है। एक बार मैं बोल रहा हूं, वो रिपीट कर दे। ठीक है ठीक है। चीक मार, चीक मार, किराक, किराक, कोमा, कोमा, तुम्हार को देख के मेरा दिल, तुम्हार को देख के मेरा दिल लप 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 मार लिया। आओ मीनाक्षी पान खिलाते हैं, आ जाओ। ओहो गुस्से साथ ही पान की खुशबू आ जा रही बाप। अन्ना नमस्ते। उफ आज पान लवर बगर सुपारी 5 के 5 बाहर से ऐसे मुंबई से पान खाने इनको खिलाने का है मेरे को। जबरदस्त मीनाक्षी फ्लेवर डालो, 5 मीनाक्षी दो बगर सुपारी। इन्हें इन लोगों को कुछ हैदराबादी का जबरदस्त फेवरेट वर्ड सिखाओ ना। पूछा माँ बिरयानी खाए ना, हल्लक में उंगली लगे चावल का दाना दिखना, उसको बोलते हैदराबादी बिरयानी। तुम मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम खाते रहोगे भाई। 100% वर्जित है, तुम खाओ काश। मैं तुमको बोल रहा हूँ मजाक से के बोल रहा हूँ, फील लो पान का, फील लो, फील लो उसके फ्लेवर का, फील लो। ला रे मेरे को भी दे, ला रे, फील मार भैया, साइड में रखो जरा, फील लो जरा, ठंडा हो दो इधर का गाल, ठंडा हो दो इधर का गाल, ठंडा हो दो, नीचे लगाओ नीचे गाल, ठंडा हो दो, वैसा इशू लो, कैसा लगा रे? ले लेंगे लेंगे, रुक जा पहले, ठंडक मिली ठंडा की हो ना ऑब्वियसली। ये जो तुमने पान खाया ना, हैदराबाद में दिन में 4 बार खाते हैं पान। ऐसा अगर मैं फ्लाइट में मुंबई की बैठ के अगर बपका भी मारा ना, पूरा कैप्टन तक जाता। उतनी ठंडी आ रही, मेरी गाफ ठंडी हो गई रे, भाड़खाऊ कहाँ खिलाया रे भाई, साथ में रखना पूरा ठंडा, जबड़े हो गए। कॉमन है रे यहाँ पे, कैसा कॉमन है भाई, पूरा ठंडा पड़ जाना टेंस था। हम लोग पहली बार जो खा रहे ना, हम लोग आदत नहीं है, आदत नहीं है, कोई नहीं। बट कैसा लगा 5 आइटम जो खिलाया, उसमें से बेस्ट आइटम क्या थी? मेरे लिए डोसा, फिर इडली, फिर बिरयानी, फिर पाव भाजी, फिर ये लास्ट में लगा इसको। मेरे को तो जो अच्छा लगा वो बता देता हूँ सिंपल तेरे को। मेरे को डोसा अच्छा लगा और बस इडली अच्छी लगी, और ये पुलाव अच्छा लगा।
सॉरी बिरयानी वेरी बिरयानी मैं रेट करता हूं पहला अपना गोविंद जी का डोसा दूसरा अपना ये बिरयानी पुलाव और ये जो बोलेंगे उसको बिरयानी थर्ड अपना इडली चौथा पाव भाजी पांचवा तो इन लोगों ने पान को जरा पांचवे पे रखा क्योंकि तो इन लोग इतना मिंट वाला फ्लेवर वाला पान नहीं खाते यार अपना हैदराबाद पान खाया ऊपर से इतना हैवी ये तो ऑनेस्ट रिव्यू था इनका बट आई होप आप लोगों को मजा आया रहेगा बहुत मजा आया बाप लोगों से बात करके हैदराबादी सीख के जरा इधर की वाइब लेके कैसा लगा हैदराबाद पसंद आ रहा अच्छा लगा रे चार मीनार लेके जा मेरे को इन लोगों को है ना अभी तो वीडियो में तो नहीं लेके जाऊंगा वीडियो के लिए तो इतना ही था पब्लिक इन लोगों को जरा शादाब होटल लेके जाऊंगा इनको 10/10 बिरयानी खाना है कल लेके जाऊंगा इनको एक कोई तो ग्रैंड होटल है ग्रैंड होटल है शादाब होटल है शागोस है इन लोगों को यहाँ पे लेके जाएंगे बिरयानी खिलाएंगे तो तुम में से कोई भी रिकॉर्ड करना और पब्लिक को दिखा देना अपना रिव्यू ठीक है इनके चैनल पे चेकआउट करना अपने लिए इतना था इस वीडियो में और प्यार दिखाएं इस वीडियो पे लाइक मारें कितने लाइक होना जो सिटी में साथ में चारों जाएंगे वो सिटी में हम लोग खाएंगे लियो बाय बाय पब्लिक पीस है।